क्योंकि अभी इस समय बहुत ही विकट परिस्थिति है, अभी किसानों की खेती करने की समय है। इस किसान खेती के समय में आपने डीजल पेट्रोल को बढ़ा के इन किसानों पे बोझ देने का काम किया है, साथ ही साथ उस बोझ के तले ताकि अभी खेती के समय हमारे किसान डीजल के माध्यम से पटवन का काम करते हैं। कृषकों को कठिन इस वृद्धि के तहत हमारी आर्थिक व्यवस्था पे चोट कर रही है। चोट करने के साथ साथ हम लोगों के इसका बोझ एक एक व्यक्ति एक एक जनों पे लाद रही है, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति है। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम लोगों को जागना होगा और इस बीजेपी सरकार को हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मैं मोदी सरकार से ये देश के लिए लड़ाई है, ये आम जनता की लड़ाई है, हमें डट के रहना होगा। पहले लड़े थे घोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। मैं कल आता हूँ सुधीर के यहाँ। पूछिए प्रश्न, पूछिए। एक मिनट रुकिए भाई। सर, आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कौन बजे के रखा है? धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं आप? अभी धरना प्रदर्शन देखते हैं इसे पूरी वृद्धि को। देखिए, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़े और घटे, दोनों प्रभावित करते हैं आम जनों के जीवन को, उद्योग को, आर्थिक व्यवस्था को, सभी चीज़ों को, ट्रांसपोर्ट को, सब चीज़ों को। 2014 में यूपीए सरकार थी, पेट्रोल का दाम 63-64 रुपये हुआ करता था, डीजल का दाम 4-5 रुपये कम था, तो ये बीजेपी वाले हंगामा करते थे सड़कों में आकर, कहते थे कि अर्थव्यवस्था इसे चौपट हो रही है, लोग दिक्कत में फंस रहे हैं, कार वाले, मोटरसाइकिल वाले को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन हम अभी देखिए क्या स्थिति है। उस समय पेट्रोल डीजल का दाम काफ़ी बढ़ा हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बढ़ा हुआ था। अब तब हम लोग कांग्रेस सरकार कम कीमत में पेट्रोल डीजल बेच रहे थे। अभी उस समय था 110 रुपये डॉलर प्रति बैरल, आज घट करके पेट्रोल डीजल का दाम घट गया है लगभग 40-41 रुपये ये डॉलर प्रति बैरल, और घटना चाहिए। कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में घट रहा है डीजल का, पेट्रोल का, तो यहाँ कम होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो, अर्थव्यवस्था बढ़िया से चले। लेकिन उल्टा हो रहा है, दाम रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, 80 रुपये से पार, सबसे हद हो गया। अभी तक कभी भी डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक नहीं हुआ करता था, ये पहले दफे हुआ है इतिहास में जब डीजल ज़्यादा पैसे में बिक रहा है पेट्रोल से, दिल्ली में और जगहों में। तो लोगों को दिक्कत, हम संवेदनशील पार्टी के हैं, हम लोगों की दिक्कत को समझते हैं, इसलिए आज कांग्रेस जन पूरे देश में हम लोग धरना में बैठे हुए हैं कि सरकार को आगाह करने के लिए कि आप इसको कम कीजिए, लोग दिक्कत में हैं। जनहित की बात करते हैं आप, तो जनहित में पेट्रोल डीजल की का मूल्य घटना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम विरोध में खड़े हैं, सरकार के, केंद्र सरकार के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं, जगह जगह भोरा जिलों में भी हम लोग बैठे हुए हैं धरना पर, पूरे देश में धरना का कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बीजेपी सरकार के नीतियों, जिसमें पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है और देश को आर्थिक संकट की ओर जा रहा है, मूल्य वृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। विज्ञापन सौंपने की बात है, तो विज्ञापन सौंपेंगे हम लोग। विज्ञापन तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से है, लेकिन यहाँ हम डीसी को देंगे और डीसी से अनुरोध करेंगे कि इस ज्ञापन को राष्ट्रपति के पास भेज दें। और कुछ